हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। पिछले वीडियो में मैंने आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे था। आज के वीडियो में पढ़ेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं इसके ऊपर, समझने के ऊपर कि कैसे हम समझ रहे हैं, ठीक है, और कैसे मैं बता रहा हूँ। स्क्वायर से पहले हम क्या समझते हैं, स्क्वायर मीन्स वर्ग होता क्या है हमारे पास। तो वर्ग हमारे पास वो होता है जिसकी चारों भुजा क्या होती है हमारे पास, बराबर होती है। ये मीन्स कि चारों साइड जो होती है वहां पर क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, जिसकी चारों साइड हमारे पास बराबर होती है। अगर हम ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, ये अगर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स हमारी सारी साइड क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसी तरह से सबसे पहले मैं देखता हूँ इसका फॉर्मूला होता क्या है। मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारे पास स्क्वायर है उसका जो एरिया निकालना होता है उसमें सिंपली हम क्या करते हैं, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइड को हम साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है भुजा इंटू भुजा, जिसको हम सिंपली लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हो कि साइड का स्क्वायर या फिर भुजा का स्क्वायर। बहुत सारे लोग इसको लिखते हैं ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, बाई का स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हो। जो आपने साइड मानी है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने साइड को कुछ नहीं माना, सिंपली साइड रख दिया, तो यहाँ पर मैं साइड का स्क्वायर लिखूंगा। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इसी में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, मतलब वर्ग, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपली साइड का स्क्वायर। अब इसको आप सब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो साइड मैंने ली है, ये साइड उस फिगर में देखो, साइड हमारे पास क्या है, सिंपली 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइड का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करूंगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह हमारे पास क्या निकला है, एरिया निकला है, किसका, स्क्वायर का मतलब वर्ग का, ठीक है ना, जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। पेरीमीटर, पैरामीटर में निकालना है, कैसे निकालते हैं, सारी साइड को हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, पैरामीटर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, मैंने क्या करा, इसकी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर मेरे पास क्या आता है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, सारी क्या मेरे पास साइड है, सारी मेरे पास क्या है, सिंपली साइड है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि लिख दूंगा P इक्वल टू में साइड, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, फिर सिंपली मैं आपको बताता हूँ, सारे साइड को ऐड करें तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। अब आप फोर साइड में, फोर साइड लिख दिया, तो P इक्वल टू में 4 इंटू साइड में इसको सिंपली लिख सकता हूँ। तो P इक्वल टू वहां पास क्या होगा, 4 इंटू में साइड हो जाएगा 4, और वहां पर साइड के लिए यहाँ पे मैंने क्या लिखी, अभी देख लो साइड के लिए क्या लिए, ये तो वहां पास फॉर्मूला बन गया है, मैंने आपको क्वेश्चन करवा दूंगा इसमें, साइड के लिए वहां पास 7। तो हमारा जो पैरामीटर आ गया है, यहाँ पे देखो साइड के लिए क्या लिखी है, 7, तो 4 इंटू 7 हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया है, पैरामीटर निकल के आ गया, हमारे पास एरिया निकल के आ गया है पैरामीटर में। बट डिफरेंट क्या है, एरिया हमारे पास 49 आया है, पैरामीटर हमारे पास क्या आया है, 28 आया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और भी एरियाज को देखेंगे। आप बने रहिए, कंटिन्यू, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसी बेस पर बना रहा हूँ, क्योंकि आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी ग्रो होगा और आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।